रूम के चार्जेस होते हैं वो कितने होते हैं सर? फर्स्ट डे का तकरीबन 1.5 लाख, सवा से 1.5 लाख रुपए का एस्टिमेट होता है एवरेज, बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। रूम का पर डे का क्या चार्ज होता है? वो भी इतना ही होता है। अगर आइसोलेशन की नीड है तो 30,000। आइसोलेशन 30,000। कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की लूटमार, लाख रुपया योमिया पैकेज में, 2 वक्त का खाना और मामूल का चेकअप, पैकेज में कोरोना का टेस्ट भी शामिल नहीं, वेंटिलेटर पर जाने की सूरत में पैकेज 1.5 लाख रुपया योमिया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के प्राइवेट अस्पतालों की मनमानियां, कोरोना के तश्वीशनाक मरीजों के लिए 2 इंजेक्शन की कीमत भी 1,20,000 तक पहुँच गई। केयर कमीशन को भी और ज़्यादा मुतहरक अंदाज से और ज़्यादा मौसर अंदाज से काम करना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये मैं आपको वाजे करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता, इसको तमाम अटोनमी इंडिपेंडेंस हासिल है। हेल्थ केयर कमीशन एक आज़ाद इदारा है, सिंध हुकूमत के मातहत नहीं, मुशीर इतला सिंध मुर्तज़ा वहाब का दावा, नासिर हुसैन शाह की तनकीद, कहा वज़ीर आला सिंध कब से खबरदार कर रहे थे, कहा जा रहा था मामूली फ्लू है, काश मुराद अली शाह की बात सुनी जाती तो वायरस फैलने से बचा जा सकता था, आप खुद कह रहे हैं कि ये मामूली फ्लू नहीं। लॉकडाउन में नरमी पर आलमी इदारा बराए सेहत के शदीद तहफ़ुज़ात, WHO ने वज़ीर सेहत पंजाब को ख़त लिखकर तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया, कराची में 34 और लाहौर में 19% फैलाव है, ईद के बाद कोरोना केसेस की तादाद रोज़ाना 4,000 तक पहुंच चुकी, पंजाब में 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन वक्त की ज़रूरत है।